रोजगार पाने के लिए हर कोई दर बदर भटकता है, लेकिन रोजगार पाने के बाद उसे दूसरे की चिंता नहीं रहती। लेकिन अमेठी में एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने खुद रोजगार स्थापित करने के साथ दूसरे के दुख दर्द को समझा और दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा। आज उन्हीं की प्रेरणा से कई महिलाएं स्वावलंबी बन समाज में अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। आज हम किसी अफसर या राजनेता की कहानी से आपको रूबरू नहीं करा रहे हैं। कहानी है स्नातक तक पढ़ाई करने वाली सरिता सिंह की। सरिता सिंह पहले सिलाई सेंटर खोली थी और अब उसी सिलाई सेंटर पर वे महिलाओं को और लड़कियों को सॉफ्ट टॉय बनाने की ट्रेनिंग देती हैं। इस व्यापार से उन्होंने कई महिलाओं को जोड़ रखा है और महिलाएं अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। सरिता सिंह का ट्रेनिंग सेंटर अमेठी जनपद के विकास खंड संग्रामपुर के भवसिंहपुर गांव में है। इस ट्रेनिंग सेंटर में पहले सिलाई कढ़ाई का काम चलता था, लेकिन उन्होंने गांव में भ्रमण किया और महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता समझ उन्होंने इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की और आज उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर दर्जनों महिलाओं को रोजगार दिया है। 20 से 25 महिलाएं इस ट्रेनिंग सेंटर पर काम कर रही हैं। खास बात यह है कि टॉय बनाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क महिलाओं से नहीं लिया जाता है। खास बात यह भी है कि जिन बच्चों के या महिलाओं के परिवार में कोई नहीं है, किस तरीके से, उनके क्या लिए नाम है पैसा आपका? नहीं लेती हैं। मेरा नाम सरिता सिंह है और मैं यहाँ पे सिलाई सेंटर मैंने पहले खोला। यहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते थे। धीरे धीरे मैंने गांव का विजिट किया तो यहाँ पे मुझे लगा कि लोगों को काम की भी आवश्यकता है और महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं। तो टेडी बियर मुझे बनाना आता था और कुछ महिलाएं यहाँ पे और भी थी जिनको ये काम आता था। फिर हमने वहाँ पे इन सबको इकट्ठा किया और इसको मैंने बनवाना शुरू किया, जिससे 25 से 30 महिलाओं को यहाँ पे रोजगार भी मिला और उनकी बहुत ही खुशहाल जिंदगी अब चल रही है। ये बिक भी जाता है और इससे इनको जो है इसका जो मार्जिन होता है वो सबके में आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उनका अपना घर का खर्च आसानी से चल जाता है और यहाँ पे काम कर रही काफी सारी परेशानियों से यहाँ की महिलाएं बाहर आ चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि इस काम को हम और अच्छा कर सकें, अपने ग्राम से क्षेत्र से इसको बाहर भी इसको हम ले जा सकें। धन्यवाद। अच्छा, कितना छोटा इसका एक साइज होता है, उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि 2-4-5 हजार तक हम महीने में इसको बना सके और इसकी सेल कर सके। रोजगार मिला है महिलाओं को? जी, मैं यहाँ 25 से 30 महिलाओं को रोजगार मिला है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको और बढ़ावा दे सके और अपने पूरे अपने अमेठी डिस्ट्रिक्ट में हम काफी सारी महिलाओं को हम रोजगार दे सके। मैं यहाँ टेडी बियर बनाती हूँ और सिखाती भी हूँ। अच्छा, ये टेडी बियर आप लोग कितने दिन से बना रही हैं? इससे कितना फायदा आप लोगों को होता है? वो अच्छा पैसा मिलता है इसमें। अच्छा, जब पहले आप लोग इस काम में नहीं जुड़ी थी तो क्या क्या दिक्कतें थी, किस प्रकार की दिक्कतें होती थी? तब हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता, इससे मेहनत करते हैं तो पैसा मिल जाता है। फायदा होता है इससे आप लोग? जी, फायदा होता है। ठीक हो रहा है। टेडी बियर का काम जो है हम लोग 7-8 सालों से कर रहे हैं जो है, और इसमें प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। मतलब जैसे गांव की औरतें हैं, घर पे बैठी रहती हैं तो आके जो है बनाती हैं तो उनको मतलब जैसे 3-4 हजार रुपए का इनकम भी हो जाता है, उससे घर खर्च भी चला सकती हैं, अपना भी शौक पूरा कर सकती हैं जो करना हो, तो जो है ले जाके बनाती हैं सब। जब फायदा होता है इससे आप लोगों को? हाँ, इससे अच्छा खासा फायदा भी होता है। गाँव में लाके जो है सबको सिखा के जो है करते हैं काम, तो गांव की औरतों को भी थोड़ा बहुत सहारा मिल चुका है। अच्छा, कितने लोग इसमें जुड़े हैं समूह में? किस इसमें जुड़े हैं कम से कम 25-30 लोग हैं यहाँ पे, बाकी और भी जगह हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मतलब औरतें हैं काफी जगह, मतलब हर एक प्रकार, मतलब जहाँ जहाँ भी किया जाता है वहाँ वहाँ जो है 30-25-40 ऐसे औरतें इकट्ठा होती हैं। ठीक।